तो दोस्तों हर रोज की तरह आज भी मुंबई इंडियंस स्टेडियम को लेकर काफी सारी बड़ी खबरें बाहर निकल कर आ रही है। तो सारी बड़ी खबरें आज के वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले जो मुंबई इंडियंस स्टेडियम की ओर से निकल कर आ रही है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मुंबई इंडियंस स्टेडियम को IPL 2025 का सीजन जिताना चाहते हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक अभी कर दीजिए, और अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों IPL 2025 के हम एक ऑक्शन हमें कुछ महीनों के अंदर होते हुए दिखने वाले, और उसमें मुंबई इंडियंस की टीम हम पूरी तरीके से बदलते हुए दिखने वाली है। लेकिन दोस्तों जो MI की टीम के एक्स कप्तान है रोहित शर्मा, और काफ़ी जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल थे दोस्तों और जो बड़ी बड़ी वेबसाइटें थी वो दावा कर रही थी कि रोहित शर्मा में दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम को छोड़ते हुए दिखने वाले और दूसरी फ्रेंचाइजी की ओर से IPL खेलते हुए दिखने वाले है। लेकिन दोस्तों अभी रोहित शर्मा ने कन्फर्म कर दिया कि मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से हमें खेलते हुए IPL 2025 में और फ्यूचर में नज़र आने वाले है। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये फेक न्यूज़ वायरल हो रही थी कि रोहित शर्मा MI की टीम को छोड़ने वाले, लेकिन अब रोहित शर्मा की ओर से काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की टीम में ही दिखेंगे, मुंबई का राजा रोहित शर्मा ही रहने वाला है। हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप काफ़ी बड़ी गलती कर रहे हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा, तो जाइए फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। और दोस्तों जैसे आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होते हो तो आपका काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, आपको मुंबई इंडियंस की टीम से जुड़ा हर छोटा मोटा अपडेट मिलने वाला है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट ज्वाइन हो जाना। चलिए अब बात कर लेते हैं निकोलस पुरन के बारे में। तो दोस्तों पुरन मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से एक सीज़न खेल चुकी है, और दोस्तों पूरा सीज़न नहीं खेले, कुछ मैचेस खेले है और उसमें ठीक ठाक प्रदर्शन पुरन ने किया। और एक बार फिर से हमें दोस्तों निकोलस पुरन अब मुंबई इंडियंस की टीम के अंदर आते हुए नजर आ सकते हैं। MI की टीम के लिए फिनिशर्स ने काफ़ी ख़राब काम किया। IPL 2024 में हमें देखने को मिला कि हार्दिक पांड्या भी फ्लॉप रहे और टीम डेविड भी लगभग फ्लॉप रहे मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से। और दोस्तों MI की टीम को निकोलस पुरन जैसा या फिर वेस्ट इंडीज का एक तगड़ा दोस्तों फिनिशर चाहिए लोअर ऑर्डर में, या फिर कह लें फिनिशर के तौर पर। MI की टीम को कहीं ना कहीं वेस्ट इंडियन पावर की नीड है, जो काम कैरन पोलार्ड MI की टीम के लिए करते थे। कहीं ना कहीं दोस्तों मुंबई इंडियंस टीम को एक वेस्ट इंडियन खिलाड़ी चाहिए जो कि गेम को अच्छे तरीके से फिनिश करे। तो दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम निकोलस पुरन के पीछे हमें जाते हुए दिख सकते हैं। अगर रिलीज होते हैं जरूर से MI की टीम जाएंगी, लेकिन अगर लखनऊ रिलीज नहीं करते फिर ट्रेड का ऑप्शन MI की टीम के पास में अवेलेबल रहने वाला है। तो हो सकता है कि MI की टीम दोस्तों हमें निकोलस पुरन को ट्रेड करते हुए नजर आ जाए, और इम्पॉसिबल ट्रेड नहीं है क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम के लिए दोस्तों कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ये तो आप सब जानते होंगे क्योंकि इन्होंने हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी को ट्रेड कर लिया है। तो इसके बाद में दोस्तों ज्यादा चांसेस बढ़ चुके हैं मुंबई इंडियंस की टीम किसी भी खिलाड़ी को इजीली ट्रेड कर सकती है। आप लोगों की क्या राय है मुंबई इंडियंस की टीम को लेकर, और दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम के ऑक्शन प्लान को लेकर, तो आप अपने राय में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो आप किस पर देखना चाहते हो कि क्या मुंबई इंडियंस की टीम को कौन से खिलाड़ियों को खरीदना चाहिए, तो आप अपने राय में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।